नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। जौनपुर स्वाट टीम, सर्विलांस, साइबर सेल और थाना चंदवा की संयुक्त टीम द्वारा अंगूठे का क्लोन बनाकर जालसाजी कर लोगों के खाते से पैसे उड़ाने वाले दो शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक लैपटॉप, स्कैनर, पैसा गिनती करने वाली मशीन, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ईश्रम कार्ड, एटीएम कार्ड, अंगूठे का तैयार क्लोन और नकदी बरामद की गई है। क्राइम किया जा रहा था, काफी समय से इसमें साइबर की टीम और सर्विलांस स्वाट की टीम लगी हुई थी। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके फर्जी फिंगरप्रिंट्स तैयार करते थे और उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। अभी जो देखा गया है उसमें पिछले लगभग एक महीने में 50 ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसमें 18 व्यक्तियों के खातों से करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा निकाले गए हैं। पीछे भी पूर्व में इनके द्वारा कितने पैसे निकाले गए उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनके पास से क्लोन किए हुए भारी मात्रा में फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं और 100 के आसपास पासबुक बरामद हुए हैं, स्कैनर, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें और भी बरामद हुई हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिन जिन व्यक्तियों के साथ अभी तक प्रकाश में आई घटना हुई है उन सभी से संपर्क किया गया है और उन्होंने अपनी अपनी बात बताई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कुछ कुछ चीजें जो है अभी हम लोग सोशल मीडिया सेल से और अपने साइबर सेल से भी जारी करेंगे। किसी भी CSP सेंटर पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपनी मोबाइल ना दे किसी को भी मांगने पर किसी भी कारण से, क्योंकि मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। CSP सेंटर पर आधार से पैसे निकालने में किसी प्रकार के कोड की जरूरत नहीं होती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, जो ये क्राइम कर रहे थे, आप जब भी कहीं पे जाएं तो जो निर्धारित स्थान है जो केवल उस एक स्थान पर अपने अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स लगाए, अन्य स्थानों पर ना लगाए, चाहे कोई कुछ भी कहे। साथ ही जो आप आधार कार्ड रजिस्टर में नंबर अपना नोट कराते हैं, पूरी डिजिट आधार कार्ड के रजिस्टर में कभी भी ना लिखें, केवल प्राथमिक 4 डिजिट और बाद के 4 डिजिट है उसी को रजिस्टर में मेंशन करें, पूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही यदि आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी कार्य के लिए किसी स्थान पर देते हैं तो ऊपर उसमें पेन से ये जरूर लिख दें कि इस कार्य हेतु, जैसे आप मोबाइल की सिम लेते हैं तो स्पष्ट अपना नाम, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड है, उसमें आप लिखें कि सिम क्रय करने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उसकी फोटो खींच के उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। ये जो क्लोनिंग का काम है ये एक ही सेंटर पर इस तरीके से जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी ये साइबर वाले काम कर रहे थे, टारगेट पे ये पता चला है कि अभी आए हैं, लेकिन कुछ अन्य भी प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुए हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब ये टीम उसकी भी जांच कर रही है और जहां जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं पूरे गैंग को इसमें ट्रैक करके लगभग किया जाए। कितनी सर जालसाज पकड़े गए हैं और कितने लोगों को इस्तेमाल लगाए हैं? इसमें अभी 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। प्रारंभिक तौर पर पिछले एक महीने में 50 ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किए गए हैं। कुल 18 व्यक्ति, 18 अलग अलग व्यक्तियों के साथ ये घटना इनके द्वारा की गई है और करीब 6 लाख रुपए का पिछले एक महीने में इनसे ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किया गया है और भारी मात्रा में पब्लिक के क्लोन तैयार किए गए हैं इनके द्वारा, जो फिंगरप्रिंट्स के वो भी बरामद हुए हैं। अब इस तरह के केस आने के बाद जौनपुर पुलिस CSC केंद्रों पर जो सेवा केंद्र है उसके लिए सिद्धार्थनगर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दादी और पिता ने मिलकर 14 माह के मासूम की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वजह मृतक मासूम के मां शीला से आपसी कलह बताई जा रही है। घटना सिद्धार्थनगर जिले के शोरतगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वां गांव पंचायत के नहरी टोला की है। पुलिस ने आरोपी दादी और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थनगर जिले के मड़वा टोला के नहरे गांव में के रहने वाले पिंटू की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हुई थी और इस बीच पिंटू और उसकी मां से उसकी बीवी शीला की अनबन रहने लगी और 14 माह के राजकुमार के जन्म के बाद यह मामला और तूल पकड़ता गया। पिंटू की बीवी ज्यादातर अपने मायके रहने लगी और इस बीच शीला अपने ससुराल 10 दिन पहले आई थी और आज सुबह आरोपी पिंटू, उसकी माँ और उसकी पत्नी में खूब विवाद हुआ और इस बीच पिंटू और उसकी माँ ने मासूम बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर उसकी पटक पटक कर माँ के सामने ही हत्या कर दी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। फौरन मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और इस बीच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान यशवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, ग्राम नहरी है, थाना सोहरतगढ़ में। इसमें पुलिस को जानकारी दी गई है कि एक लगभग 1.5 साल के बच्चे को उसके पिता ने और उसकी दादी ने जमीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी है। इसी के घटनास्थल पर पुलिस की टीम आई है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। गाँव वालों के बयान के अनुसार आज इनका सास बहू का झगड़ा हुआ था, जिसमें जो सास है, सास ने और उसके बेटे ने, यानी
बच्चे के पिता ने बच्चे को पटक के जमीन पर उसकी हत्या कर दी है। लगभग जो मृतक है उसकी आयु 1.5 साल है, राम कुमार उसका नाम है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब FIR दर्ज किया जाएगा इसमें और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। ओके, थैंक यू। अधिसा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने एवं जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण के नेतृत्व में तथा समस्त क्षेत्रवासियों के पर्यवेक्षण में जनपद जौनपुर की पुलिस लाइन सहित जनपद के समस्त स्थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। दंगों से निपटने और दंगाइयों पर काबू पाने को दंगा नियंत्रण अभ्यास किया गया है। देखिए, ये बलवा ड्रिल का जो अभ्यास कराया गया पुलिस लाइन में, और ये हमारा रूटीन प्रोग्राम होता है। इसमें आपने देखा कई पार्टियां होती हैं जो कि फायरिंग से पहले इनका पूर्वाभ्यास कराया जाता है, और आपने देखा बड़े अच्छे से बड़े ढंग से ये बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। ये जनपद में 144 लगा है, उस समय 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उनके लिए भी एक संदेश है कि कोई भी यदि बदमाशी किया या कोई भी कानून का पालन नहीं किया तो उसे सख्ती से निपटा जाए। आगामी त्यौहार भी है, इसी वजह से मैंने कहा कि आगामी त्यौहार है। आगामी त्यौहार को देखते हुए भी अभ्यास कराया गया है, और ये संदेश भी देने का प्रयास है आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाए। वाराणसी सारनाथ थाना के आशापुर रेलवे क्रॉसिंग से चंद कदम दूर कैंथी निवासी ने बुजुर्ग महिला अचानक ट्रेन के आगे कूद गई। गिरीमत यह रही कि पूरी ट्रेन गुजर गई लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, वह पटरियों के बीच ही पड़ी रही। ट्रेन गुजरने के बाद महिला को वहां से निकालकर लोग पुलिस चौकी ले गए। महिला ने बताया कि वह पारिवारिक कलह से उबकर जान देने आई थी। जनपद बहराइच में डंपिंग यार्ड में अज्ञात कारणों में आग लग गई, देखते ही देखते जिसका धुआं शहर के दूर तक के इलाकों में देखा जा सकता था। हालांकि आग तारकोल में लगने के कारण धुआं बेहद भीषण तरीके से फैला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहां पर मौजूद जेई ने बताया कि किसी ने धूम्रपान करके सिगरेट या बीड़ी फेंकी जिसके कारण यह आग लगी है। अब ऐसे में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है कि आखिर जहां इतनी भारी मात्रा में तारकोल रखा जाता है वहां पर किसी प्रकार के अग्निशमन उपकरण क्यों नहीं मौजूद। यही आग अगर रात्रि में लगी होती तो वहां फायर ब्रिगेड को पहुंचते पहुंचते वक्त लग जाता जिससे आग विकराल रूप ले सकती थी। पास में ही रखे सैकड़ों तारकोल के ड्रम भी इसकी जद में आ सकते थे। खैर, इसे हिदायत कहें या कुदरत का करिश्मा की आग नहीं बढ़ने पाई और मौका रहते ही इसे काबू कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुलिस आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जान रही है, और इसी क्रम में झांसी के मुख्य चौराहे पर जनप्रतिनिधि नगर विधायक रवि शर्मा, DIG योगेंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना, SP सिटी विवेक त्रिपाठी, CO सिटी डॉक्टर प्रदीप कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार समेत कई अधिकारी पैदल गश्त करते नजर आए। देखिए, आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को लेके पूरा पुलिस प्रशासन झांसी का रोड पे कंटिन्यू रहता है। हर दिन फुट पेट्रोलिंग होती है। हमारे साथ हमारे रेंज के अध्यक्ष माननीय DIG महोदय हैं, साथ ही साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं पुलिस प्रशासन के वो हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। इसी दौरान माननीय जनप्रतिनिधिगण भी हमारे साथ आ गए। तो ये पुलिस पब्लिक संवाद का एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर झांसी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ माननीय जनप्रतिनिधिगण ने दिया है, जिनके सहयोग से जितनी भी समस्याएं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ आम जनता के साथ जो मित्र पुलिस का कंसेप्ट है उसको झांसी पुलिस चरितार्थ कर रही है। नेशनल हाईवे पर भी लगातार दो तरफ ट्रक खड़े होते हैं, क्या कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, जहाँ पर भी अतिक्रमण की समस्या है या ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्या है, सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि उसमें जो समुचित कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। वहाँ लगातार जो अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर के कार्रवाई करने का आदेश शासन स्तर से हुआ है, उस पर पुलिस ने क्या कार्य तैयार करी है? देखिए, उसमें भी कार्य योजना तैयार है, उसमें भी कार्य हो रहे हैं। जितने भी इस तरह के
स्टैंड हैं उन पर चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट के जो ऑफिसर्स हैं वो इंश्योर करवाएंगे कि किसी भी स्थिति में कोई भी अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं संचालित। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।